अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आजकल कोरोना वायरस को लेकर हमारी जिंदगियों में एक नेगेटिविटी भर गई है। जिससे भी बात करो, जहाँ भी बात करो, छोटे से बात करो, बड़े से बात करो, सब एक नेगेटिव वे में ही बोल रहे हैं। और जो भी चीज़ है वो बड़ी नेगेटिव नेगेटिव ही फील हो रही है हर जगह पर। क्यों ना हम आज इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इस पर बात करें, और इस जो भी अब तक के मामला चले हैं, मतलब 24 मार्च से लेकर और अब तक, इसको हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें। जैसा कि दीन के साथ अटैचमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत ज़बरदस्त मौका दिया है, बहुत ज़बरदस्त टाइम दिया है कि हम अपने मामलात अल्लाह के साथ बराह रास्त इस्तवार करें, जिसमें सबसे पहले तो है नमाज। नमाजों अब क्या है कि घर से निकलना बंद हुआ हुआ है, तो नमाजें, अल्लाह ना करे हमारी नमाजें फौत हों। अल्लाह ने बड़ा प्यारा मौका दे दिया है कि घर में भी एक इज्तमाही जमात कराई जा सकती है। हमारे बच्चे जो मसाजिद में नहीं जाते थे, स्पेशली हमारी ख़वातीन, मेजोरिटी ख़वातीन हमारी ऐसी हैं कि जो मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ती जमात से, वो घरों में नमाज पढ़ती हैं। इस वक्त बहुत सारे घरों में ये हो रहा है कि लोग इकट्ठे जानमाज बिछाकर, सफ़े बिछाकर घर के लोग ही जमात करा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है कि हमारी लेडीज़ भी, हमारी ख़वातीन भी उस जमात में शरीक हो रही है, उनको जमात से नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। इसके साथ साथ अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दे दिया है, जिनके वालदैन हयात हैं, अल्लाह ने उनको मौका दिया कि वो अपने वालदैन की खिदमत करें। जितनी खिदमत कर सकते हैं उतनी खिदमत कर लें। इससे पहले क्या था, सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम में आए, सलाम किया, उसके बाद माँ के पास बैठ गए या बाप के पास बैठ गए। अब तो अल्लाह ने पूरा पूरा मौका दे दिया, ठीक है जी। इसके साथ साथ औलाद की तरबियत पे बात कर लेते हैं। पहले ये होता था कि भाई मर्द तो चला जाएगा ऑफिस काम करने के लिए, और जो औरत घर की होगी उसने ही बच्चों की तरबियत करनी है। अब इस वक्त क्योंकि टाइम ही टाइम है, घर में ही है, पूरी फैमिली एक साथ है, तो अपने बच्चों के साथ बेहतर वक्त गुजारने का मौका मिल गया, बेहतरीन तरबियत करने का मौका मिल गया, उनको अच्छा बुरा सिखाने का मौका मिल गया, और उनको दीन समझाने का और सिखाने का मौका मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ चैरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क में, इस शहर में चैरिटी बहुत आम है, और माशाल्लाह लोग बहुत चैरिटी करते हैं। वो है हुक्म है ना कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पके और उसकी खुशबू आपके पड़ोस तक जाए, वो भी मना है। पड़ोसी के हुकूक तो इतने हैं कि इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। तो पड़ोस में क्या हालात हैं, वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, कोई किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है, अल्लाह ने बड़ा प्यारी प्यारी हमें नेकियों का मौका दे दिया। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ कि घर के खाने खाने की आदत पड़ गई। आज से पहले ये हुआ करता था, इस लॉकडाउन से पहले ये हुआ करता था कि कुछ ना कुछ बाहर से मंगवा लिया करते थे और खा लिया करते थे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगा कि घर में मज़े मज़े से खाने खा रहे हैं, और सब्ज़ी भी बनवा रहे हैं, दाल भी बनवा रहे हैं, गोश्त भी बनवा रहे हैं, सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं जो हमें मिल रही हैं। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है जी। जंक फूड, ये बाज़ार के बने हुए खाने, इन सब से अल्लाह ने हमें दूर रखा हुआ है। और कल एक चीज़ में पढ़ रहा था कि अमवात की शरह भी कम हुई है, इस तरह की जो भी बीमारियाँ पैदा होती हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से हम दूर हो गए माशाल्लाह। पोल्यूशन कम हो गई, आलूदगी बहुत कम हो गई है पोल्यूशन। तो हम यूँ इस तरह से हम पॉजिटिव ले रहे हैं इसको। क्यों हम ये नेगेटिव सोचते रहते हैं कि यार घरों में बंद किया हुआ है, पता नहीं दुकानें कब खुलेंगी, शॉप सब खुलेंगी। देखिए हर काम में ना अल्लाह की बेहतरी है, हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, कोई भी काम अल्लाह की बेहतरी से खाली नहीं है। हम अपनी सिर्फ सोच को एक दफ़ा यूँ कर लें कि भाई ये जो भी काम हो रहा है ना, चाहे इसमें हमारा नफ़ा है या नुकसान है, इसमें अल्लाह की बेहतरी है लाजमी। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो हमारा कभी भी बुरा नहीं जा सकता। थोड़ी सी मुश्किल है, वो कुरान पाक में है ना कि इन्ना माल उसरी उसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान की बात है तो फिर बात ही ख़त्म ना, इस पर तो दूसरी राय ही नहीं, दूसरी बात ही नहीं है। जब इन्ना माल उसरी उसरा की बात आती है तो हर तकलीफ़ के बाद राहत है, आसानी है। तो बस ये तकलीफ़ है, इसके बाद आसानी ही आसानी है इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे रब ने कुरान पाक में फरमा दिया। एक आखिरी बात, बहुत प्यारी बात,
एक काम सिर्फ मेरी खुशी मेरी मेरी खुशी है इसमें कि मैं आप लोगों को ये बात कहूँ, हम ना अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन गए। इतनी सारी नेमतें हैं, ये जो मैं हाथ उठा रहा हूँ ना बात करने के लिए, ये भी अल्लाह की नेमत है। ये जो मैं खारिज खुला रहा हूँ, ये भी अल्लाह की नेमत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाथ उठा नहीं सकते, अपनी खारिज खुलाने के लिए उनको किसी की ज़रूरत पड़ रही होती है, किसी भी बंदे की। अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें। सिर्फ वो कहते हैं ना कि शुक्र अदा करें और आप उसके फिर फवायद देखें इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर ये जो बुरा वक्त आया हुआ है इसको ख़त्म फरमा, हमारे मामलात को आसान फरमा, और हमारे तमाम अस्कार को, इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।